खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है, जहां तेंदुवारी में शुक्रवार को सहकारी संघ में खाद की रेक वितरण होने की सूचना पर सैकड़ों किसान केंद्र पर जमा हो गए। सुबह तक केंद्र खुलने की नौबत आई, हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हो गए। किसी तरह से केंद्र प्रभारी ने खाद का वितरण शुरू कराया। हजारों की तादाद में किसानों के लिए 200 बोरी खाद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। फिलहाल ज्यादातर किसानों की वेरंग वापस जाना पड़ा। केंद्र प्रभारी पर किसानों ने कालाबाजारी करने और चहेतों को पहले खाद देने का भी आरोप लगाया। किसानों में सुखवीर, अशोक, दिलीप, शिव कुमार, महावीर, जगत पाल, दीपक, सुशील, अनिल आदि ने उच्च अधिकारियों से खाद उपलब्ध कराने और सही तरीके से वितरित करवाने की मांग की है। बांदा से प्रवंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। योगेन कुमार मिश्रा, क्या है बेटा? खाद का विषय है। कहाँ पे? ये हम लोग तिंदुवारी आते हैं प्रतिदिन, आज 20 दिन से लगातार आ रहे जा रहे, खाद मिल नहीं रही है। खाद आती भी है तो किसी को एक बोरी, किसी को बिल्कुल नहीं मिलती है। आपकी खाद जाती कहाँ, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ ब्लैक हो रही है। आप कितने दिन परेशान हैं? हम 20 दिन हो गए लगातार आते हुए। अच्छा, आप इस समय कहाँ खड़े हैं? इस समय हम संघ खाद सोसाइटी में खड़े हैं। अच्छा, तो वैसे कितने लोग होंगे अभी वर्तमान में खाद लेने के लिए परेशान है? कम से कम 400 आदमी खड़ा है। क्या नाम है? नाम डीआर यादव है। अच्छा, आप कहाँ हैं इस समय और किस चीज के लिए आए हैं? समय तिंदुवारी सोसाइटी में सभी किसानों के साथ खाद की किल्लत झेल रहे किसान हैं। लगातार सभी लोग सुबह 7 बजे से रात 5 बजे तक, 6 बजे तक लाइन में लगे रहते हैं। वो भी बड़ी किल्लत के बाद 2 बोरी वो मुश्किल मिलती है। बाकी पता नहीं खाद का क्या ब्लैक कर रहे हैं, और संबंधित व्यक्ति को निश्चित रूप से ज़्यादा भी मिल जाती है। और पता नहीं सरकार की मंशा तो सभी की पूर्ति करने की है या सरकार गड़बड़ कर रही है, समझ नहीं आता। खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही, इसके विषय में सरकार को चिंता करना चाहिए, क्योंकि किसान से सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम निश्चित रूप से बनता बिगड़ता है। यदि किसान ही परेशान रहेगा तो आगामी भविष्य में निश्चित रूप से सरकार को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। खाद न मिलने से किसानों को क्या दिक्कतें होती हैं? किसानों को इतनी दिक्कतें हैं कि सबका पानी लग गया है, खाद की सिंचाई के बाद तुरंत खाद 4 दिन के अंदर छींटना चाहिए। यदि खाद नहीं छींट पा रहा है किसान तो फसल अच्छी नहीं होगी, तो पूरे किसानों में आक्रोश है। निश्चित रूप से सरकार को इसका खामियाजा भुगतना। फूलमती जी, ये बताएं कि आज किस काम के लिए तिंदुवारी में आए? क्या दिक्कतें होती खाद लेने में? लाइन में खड़ी है, खाद नहीं मिल रही है।